Hello students, welcome in new class, second of Hindi. Check out your Hindi book, open lesson number 8, Sachai Ki Raah. Yes, remember you have to put your finger. गणित की कक्षा में अध्यापक ने गणित का एक प्रश्न दिया था. मैथ्स की जो टीचर हैं उन्होंने मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया और सभी बच्चों ने उसे घर से हल करके लाने को कहा था. और सभी बच्चों से उसे घर से टीचर ने जो क्वेश्चन दिया था तो टीचर ने कहा कि आप इसको होमवर्क में सॉल्व करके आओगे. ओके, अध्यापक ने कॉपी जांचने पर पाया कि किसी भी विद्यार्थी का उत्तर सही नहीं था. तो जब टीचर ने उस क्वेश्चन को चेक किया, उस होमवर्क को चेक किया, तो टीचर ने देखा कि उस क्वेश्चन का आंसर किसी ने भी सही नहीं किया है. परंतु जब उन्होंने गोपाल की कॉपी देखी तो पाया कि प्रश्न का उत्तर सही था. और जब उन्होंने जब गोपाल की कॉपी चेक की तो गोपाल का आंसर राइट था. अध्यापक महोदय गोपाल की प्रशंसा करने लगे. और जो टीचर थे जब उन्होंने देखा कि गोपाल ने राइट आंसर किया है तो उसकी तारीफ करने लगे, उसको अप्रिशिएट करने लगे. अपनी प्रशंसा सुनकर, अपनी तारीफ सुनकर बालक गोपाल रोने लगा. बालक गोपाल रोने लग गया जब टीचर उसके बारे में सब बच्चों को बता रहे थे ना, देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, इसने बिल्कुल सॉल्व किया अच्छे से. तो वो रोने लग गया उसको सुनकर. उसे रोता देखकर अध्यापक महोदय को आश्चर्य हुआ. जब टीचर ने गोपाल को रोता हुआ देखा तो उन्हें आश्चर्य इसलिए हुआ कि मैं तो इसकी तारीफ कर रहा हूँ और ये रो क्यों रहा है. उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया और रोने का कारण पूछा. और फिर टीचर ने क्या किया, गोपाल को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि आप रो क्यों रहे हो. गोपाल ने बताया, गुरुजी इस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा है. गोपाल ने बताया कि सर इस क्वेश्चन का जो आंसर जिसे आप सही बता रहे हो ये आंसर मैंने नहीं लिखा है, मेरे भाई ने लिखा है. अध्यापक महोदय गोपाल की सच्चाई से प्रसन्न हुए. अध्यापक को, टीचर को बहुत खुशी हुई कि स्टूडेंट ने ऑनेस्टली ये सच बताया कि ये काम मैंने नहीं किया है, ये होमवर्क मेरे भाई ने किया है. उन्होंने उसे गले से लगाते हुए कहा, टीचर ने गोपाल को गले से लगाया, चुप कराया और कहा एक दिन तुम अवश्य अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करोगे. एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बहुत अच्छे पर्सन बनोगे. ठीक है, जानते हो वह बालक कौन था, वो बालक कौन था. उस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि बहुत ही फेमस इंडियन लीडर रहे हैं, है ना, बहुत ही अच्छे इंडियन लीडर रहे हैं. हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, है ना, फ्रीडम दिलाने के लिए बहुत अच्छे फाइटर रहे हैं. यस, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं. वी हैव टू डू मौखिक प्रश्न. गोपाल का पूरा नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले. अध्यापक ने कॉपी जांचने पर क्या पाया, किसी भी विद्यार्थी का उत्तर सही नहीं था. थर्ड, किसके प्रश्न का उत्तर सही था, गोपाल के प्रश्न का उत्तर सही था. लिखित प्रश्न, अध्यापक द्वारा प्रशंसा सुनकर गोपाल क्यों रोने लगा. गोपाल इसलिए रोने लगा क्योंकि प्रश्न का उत्तर गोपाल ने नहीं उसके भाई ने लिखा था. सेकंड, गोपाल ने रोने का क्या कारण बताया. गोपाल ने रोने का कारण बताया कि उसके भाई ने प्रश्न का उत्तर लिखा था. यस, अध्यापक ने गोपाल को गले लगाकर क्या कहा. अध्यापक ने उसे गले लगाकर कहा कि एक दिन तुम अवश्य अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करोगे. इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, सच बोलना चाहिए. सही उत्तर पर निशान लगाइए. सभी विद्यार्थियों को किस विषय का प्रश्न हल करने के लिए दिया गया, गणित का. गोपाल की कॉपी में प्रश्न का उत्तर किसने लिखा था, बड़े भाई ने. गोपाल अपनी प्रशंसा सुनकर क्या करने लगा, रोने लगा. अध्यापक ने गोपाल को गले क्यों लगाया था, सच बोलने के लिए, है ना.
इस दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अध्यापक महोदय गोपाल की करने लगे, क्या करने लगे? प्रशंसा। अपनी प्रशंसा सुनकर बालक रोने लगा। अध्यापक ने गोपाल को गले लगाया। उस बालक का पूरा नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। सत्य और असत्य, यानी कौन सा वाक्य सही है उसके लिए आपको सत्य लिखना है और जो वाक्य गलत है उसके लिए आपको असत्य लिखना है। सभी बच्चों के प्रश्न का उत्तर सही था, असत्य। गोपाल ने अध्यापक से सच बोला, सत्य। प्रश्न का उत्तर गोपाल ने लिखा था, असत्य। अध्यापक ने गोपाल की निंदा की, असत्य। अध्यापक ने गोपाल को गले लगा लिया, सत्य। यस, विशेषण बताने, यस, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विशेषण लिखिए। भाई, भाई के आगे बड़ा विशेषण लगाया है, बड़ा, बड़ा भाई। गेंद, छोटी। बात, अच्छी। घर, सुंदर। फूल, खुशबूदार। और उपहार, कीमती उपहार। ये सब क्या है? विशेषता बताते हैं ये शब्द, इसलिए क्या है? विशेषण शब्द। विलोम शब्द लिखिए, यानी अपोजिट लिखिए। सच्चा, झूठा। प्रश्न, उत्तर। प्रशंसा, निंदा। उचित, अनुचित। छोटा, बड़ा। अच्छा, बुरा। हंसना, रोना। सुख, दुख। निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। प्रशंसा, प्रशंसा, ऊपर बिंदी आ जाएगी श के, प्रशंसा। कारण, नो, कारण। अध्यापक, ये शब्द सही है, इसको एज इट इज ही लिखना है, ओके। आश्चर्य, नो, आश्चर्य, ऐसे राइट करना है इसको, ओके। एज वी हैव डन दिस चैप्टर, इफ यू आर अनेबल टू स्टार्ट, इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, देन यू कैन गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। हैव अ नाइस डे, बाय।